कर्नाटक के अंकोला में भारी लैंडस्लाइड, चाय की दुकान पर गिरा पहाड़, एक ही परिवार के 4 सदस्यों की गई जान, 3 लापता। मुरैना में झरने के नीचे फंसे युवकों का वीडियो वायरल, नहाने पहुंचे थे सभी दोस्त, रस्सी के सहारे निकाला गया। मध्य प्रदेश का सिवनी जिले का वीडियो वायरल, नेवरी नदी में उफान के बाद फंसा ट्रैक्टर, अवैध खनन करने वाले मजदूर भी फंसे, रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। मसूरी देहरादून मार्ग पर जगह जगह लैंडस्लाइड, वाहन चालकों को हो रही परेशानी, सिर्फ एक गाड़ी निकलने का रास्ता, आधी सड़क मलबे के साथ खाई में गिरी। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के बाद रास्ता बंद, सड़क पर फैला मलबा, वाहनों की लंबी कतार, गाड़ी छोड़कर पैदल निकले यात्री। लखीमपुर में लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर, दुधवा नेशनल पार्क में भी भरा बाढ़ का पानी, पेट्रोलिंग टीम को गश्त करने में परेशानी, नेपाल से छोड़ा गया पानी जंगलों में पहुंचा। गोरखपुर में बाढ़ ने बढ़ाई परेशानी, नाव के सहारे स्कूल पहुंच रहे छोटे छोटे बच्चे, 15 दिन बाद भी नहीं सुधरे हालात, नाविक ने कहा अगर नाव डूबी तो सिर्फ 2 बच्चों को ही बचा पाएंगे। वाराणसी में उफान पर गंगा नदी, घाट डूबे, तेजी से बढ़ रहा जलस्तर, छोटी नावों के संचालन पर लगी रोक, प्रशासन का अलर्ट। कुछ मिनट की बारिश के बाद तालाब बन गया हरियाणा का रेवाड़ी जिला, सड़क बनी झील, नाव की तरह चलते दिखे वाहन, प्रशासन की खुली पोल। प्रशासन ने गलती की और 22 साल की लड़की की जान चली गई। वीडियो गुजरात के राजकोट का है, सड़क पर पानी भरा था, स्कूटी से घर लौट रही लड़की पहले जाम में फंसी और फिर बिजली के खंभे के चपेट में आ गई, मौके पर ही मौत हो गई। झरने पर रील बनाना युवती को पड़ा भारी, पैर फिसलने से करीब 300 फीट नीचे गिरने से हुई मौत, रायगढ़ का मामला, सीए थी युवती, सोशल मीडिया पर थे लाखों फॉलोअर्स। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसान का वीडियो वायरल, जन सुनवाई के दौरान फर्श पर लेटते हुए फरियाद लेकर अधिकारी के पास पहुंचा, किसान ने कहा उसकी जमीन किसी ने गलत तरीके से अपने नाम लिखवा ली है। भोपाल की सड़क पर कचरा उठाता नजर आया स्पाइडरमैन, वीडियो वायरल, फर्क सिर्फ इतना था कि ये स्पाइडरमैन उड़कर नहीं दौड़कर सड़क पार करता दिखाई दिया। शाहजहांपुर में ताजिया जुलूस के दौरान बिजली की तार की चपेट में आने के बाद जला ताजिया, 20 युवक झुलसे, 1 की मौत। पश्चिम बंगाल के मालदा में पुलिस पर हमला, स्थानीय लोगों ने पुलिस की गाड़ी पलटाई, एक पुलिसकर्मी के सिर से बहता खून दिखा, 2 लोग भी घायल, बिजली कटौती के विरोध में शुरू हुआ था प्रदर्शन। कांवड़ यात्रा को देखते हुए मुजफ्फरनगर प्रशासन का फरमान, होटल और ढाबों के साथ साथ ठेले वालों को भी लिखना होगा दुकान मालिक का नाम, कई दुकानदारों ने नियम का पालन किया। प्रशासन के फरमान के बाद मुजफ्फरनगर में बदलने लगे दुकानों के नाम, संगम होटल बना सलीम होटल, कांवड़ यात्रा को देखते हुए लिया गया फैसला। मुजफ्फरनगर प्रशासन के फरमान के बाद सियासत तेज, अखिलेश यादव ने पूछा जिसका नाम गुड्डू मुन्ना और छोटू उससे क्या पता चलेगा, कोर्ट को लेना चाहिए स्वतः संज्ञान, कांग्रेस ने कहा मुस्लिमों दलितों के आर्थिक बॉयकॉट की कोशिश, बीजेपी बोली पहचान को सार्वजनिक करना सांप्रदायिकता नहीं। मुजफ्फरनगर विवाद पर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऐसा लगता है जैसे योगी के अंदर हिटलर की आत्मा आ गई है, जिस संविधान को उठाकर मोदी जी चूमते हैं वो संविधान कहां गया। यूपी में सियासी हलचल के बीच अखिलेश यादव का पोस्ट सुर्खियों में, इशारों इशारों में केशव मौर्य की चुटकी ली, लिखा मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ, कल लिखा था लौट के बुद्धू घर को आए। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 3 सीट दे सकते हैं अखिलेश यादव, 10 विधानसभा सीटों पर होना है उपचुनाव, औपचारिक ऐलान का इंतजार। यूपी में बीजेपी नेताओं का खुलकर एक दूसरे पर निशाना, मंत्री राजेश्वर सिंह बोले नाथ संप्रदाय से आते हैं योगी आदित्यनाथ, आज 3 के सांपों को नाथना उन्हें अच्छे से आता है, साजिश रचने वालों का बुरा हश्र होगा। यूपी के पूर्व सीएम वीर बहादुर सिंह के बेटे फतेह बहादुर सिंह को जान का खतरा, कहा मुझे मारने के लिए 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए हैं, 7 बार के विधायक हैं, सीएम से लेकर अमित शाह को लिख चुके हैं चिट्ठी। यूपी की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक फिर निकले छापेमारी पर, पहले रायबरेली के बछरावां सीएचसी में किया औचक निरीक्षण, कुछ देर बाद फतेहपुर में भी दिखाया एक्शन, दोनों जगह खामियां मिलने पर फटकार लगाई।
मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के फैसले पर सियासत, स्कूल में दो दिन तक गुरु पूर्णिमा मनाने का है आदेश। कांग्रेस ने कहा, दूसरे धर्म के बच्चे भी अपनी परंपरा को लेकर मांग कर सकते हैं। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच घमासान, थाने के बाहर एक दूसरे के खिलाफ की नारेबाजी। मंत्री विश्वास नारंग के खिलाफ FIR दर्ज कराने पहुंचे थे कांग्रेस कार्यकर्ता, नर्सिंग घोटाले से जुड़े होने का आरोप। जयपुर में पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प, राजस्थान यूनिवर्सिटी में चुनाव की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन, पुलिस ने खींचकर हटाया, रोते नजर आए चोटिल छात्र। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने भरी हुंकार। भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी का थीम सॉन्ग लॉन्च किया, कहा केजरीवाल भी हरियाणा से ही हैं। हरियाणा में कांग्रेस विधायक रविदान सिंह के फार्म हाउस पर ED की रेड, लोकसभा चुनाव में महेंद्रगढ़ सीट से हारे थे रावदान सिंह, कई जगहों पर एक साथ छापेमारी। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले का खौफनाक वीडियो वायरल, बीच सड़क पर दबंग ने युवक पर चाकू से किया हमला, दोनों हाथ काटे, गर्दन पर गहरे जख्म। TDP का नेता बताया जा रहा है हमलावर, जिस पर हमला हुआ वो YSRCP का युवा नेता है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, शनिवार दोपहर 12 बजे तक पूरे नतीजे ऑनलाइन जारी करे NTA, परीक्षा केंद्र की भी जानकारी की जाए साझा, छात्रों की पहचान सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। विवादित IAS पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर गिरफ्तार, पिस्टल से किसानों को धमकाने का वीडियो हुआ था वायरल, कई दिनों से थी फरार, पुणे पुलिस ने रायगढ़ से पकड़ा, गिरफ्तारी के बाद पीले रंग के दुपट्टे से ढका मुंह। 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजी गई मनोरमा खेडकर, पिस्टल दिखाने वाले मामले में पुणे कोर्ट में हुई थी पेशी, धारा 307 भी लगी, रायगढ़ के जिस होटल में छिपी थी वहां का CCTV फुटेज भी सामने आया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस की C60 कमांडो टीम को सफलता, 12 नक्सली ढेर, AK-47 समेत बड़ी तादाद में हथियार बरामद, नक्सल विरोधी अभियान का वीडियो किया गया जारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने किया IED ब्लास्ट, SDF के 2 जवान शहीद, 4 घायल, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन कर निकली थी टीम। घाटी में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी, डोडा में सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को घेरा, कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में ढेर किए गए 2 आतंकी। पटना के गेस्ट हाउस में ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ गैंग रेप, 2 गिरफ्तार, लुधियाना की रहने वाली है डांसर, कार्यक्रम में परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया था। गुजरात में चांदीपुरा वायरस का खौफ, करीब 30 मामले सामने आए, 14 संदिग्ध मरीजों की मौत, ज्यादातर बच्चे, मक्खियों से बीमारी फैलने की आशंका, मक्खियों को जांच के लिए भेजा गया। UP के सोनभद्र में 2 समुदायों के बीच तनाव, एक पक्ष ने लड़के की हत्या के बाद निकाल ली थी आंखें, लड़के ने गांजा तस्करों को पकड़वाने में की थी पुलिस की मदद, पुलिस पर लगे कोताही बरतने के आरोप। राजस्थान के भरतपुर में बुलडोजर वाला एक्शन, साइबर क्राइम केस में फरार दाऊद के 3 मंजिला मकान को ध्वस्त किया गया, 5,000 रुपए का रखा गया है इनाम, कई साल से फरार है आरोपी दाऊद। पटना में नहीं सुधर रहे हैं सरकारी स्कूलों के हालात, राजधानी पटना में कई स्कूल जर्जर स्थिति में,